नन्ही जलपरी, गहरा नीला समुद्र। एक बार समुद्र के किनारे एक विशाल महल था। वहां प्रिंस एडवर्ड और उनकी पत्नी खुशी से रहते थे। उसका नाम आर्या था और वो एक जलपरी थी। समुद्र में बहुत गहरे अंधेरी गुफा में एक और महल था, लेकिन ये एक दुष्ट महल था। समुद्री राजा की दुष्ट बहन समुद्री राज्य को नष्ट करने और अपने भाई की गद्दी को पाने के लिए योजनाएं और साजिशें रचती वहां रहा करती थी। एक दिन दुष्ट समुद्री चुड़ैल वेगा अपने खास सांप के साथ समुद्र तल पर तैर रही थी और उसने रेत में बैंगनी रंग के फ्रेम के साथ एक दर्पण देखा। एक जादू का दर्पण यहाँ महासागर के तल में? मुझे आश्चर्य है, ये कहाँ से आया? हम इसे गुफा में ले चलते हैं मेरी आकाश, ये हमारे काम का हो सकता है। समुद्री चुड़ैल वेगा ने दर्पण लिया और गुफा में चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे खुद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही किसी और चीज का। दिन बीतते गए और अभी भी जादू का दर्पण केवल घूमता और तैरता रहता था। समुद्री चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे काम करता है, और जैसे ही वो इसे दूर फेंकने जा रही थी, भंवर बदलने लगा। भंवर के अंदर मैजिक मिरर का मालिक प्रकट हुआ, वो दुष्ट रानी हीला थी। दर्पण दर्पण, तुझे लगता है क्या? मुझे दिखा, मुझे दिखा, तू कहां डूब गया? वेगा ये देखकर हैरान रह गई कि दर्पण में एक धरतीवासी महिला थी, और सांप डर कर छिप गया। मेरी आका, आईने के अंदर वाली महिला आप नहीं हैं। समुद्री चुड़ैल वेगा आईने के करीब आई और हेला को जवाब दिया। ये जादुई दर्पण समुद्र के नीचे अंधेरे पानी में है और पोसाइडन की बहन के कब्जे में है, और वो मैं हूं। हेला और उसका चैम्बरलिन डंको उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने देखा। एक लंबे लंबे पैरों वाली समुद्री महिला। डंकोव ने समुद्री राज्य के बारे में सुना था, वो उस दुनिया की शक्तियों के बारे में रानी से फुसफुसाया। हेला को समुद्र से नई शक्तियां प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने समुद्री चुड़ैल को एक प्रस्ताव दिया। ठीक है लैंडविच सैंडविच, यदि मैं तुम्हें एक सौदा दूं तो कैसा रहेगा? तुम बुरे दिल की रानी, यदि तुम एक समस्या से निकलने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जादुई मंत्रों की पुस्तक दूंगी। और समुद्री चुड़ैल वेगा ने जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड के बारे में दुष्ट हेला को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि अगर वो राजकुमार को बंदी बना ले तो वो हमेशा के लिए गहरे समुद्री राज्य पर कब्जा कर सकती थी। 3 दिन बाद राजकुमार एडवर्ड ने अपने पिता के जहाज पर समुद्री यात्रा की तैयारी शुरू की। हमेशा की तरह वो जहाज के धनुष पर चढ़ गया और बादलों को देखकर मौसम की जांच करने लगा। आकाश साफ है, मौसम सुहाना है और बादल अधिक हैं। यात्रा के लिए सब कुछ सही है। इसके बाद प्रिंस एडवर्ड रेलिंग पर झुककर देखने जा रहा था कि क्या पानी शांत था, लेकिन राजकुमार का कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास भागा। कुत्ते ने उसे जमीन की ओर खींचने की कोशिश की। ओह ओह, क्या हो गया मेरे दोस्त? क्या कोई खतरे की बात है? और तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। बादलों ने एक साथ आकर सूरज की रोशनी को रोक दिया। क्षितिज पर बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देने लगी। रानी हेला अपने क्रिस्टल बॉल की सहायता से राजकुमार के जहाज के चारों ओर बादलों और हवाओं को नियंत्रित कर रही थी,
और समुद्री चुड़ैल वेगा उसके क्रिस्टल मोती के माध्यम से विशाल लहरें पैदा कर रही थी। तभी एक विशाल लहर एडवर्ड की तरफ आई और उसे बहा ले गई, उसे पानी में समुद्र के तल तक। इधर महल में जलपरी आर्या ने भयानक तूफान देखा। वो प्रिंस एडवर्ड को खोजने के लिए डाक की ओर भागी। वो उस डाक की तरफ भागी जहां डैगी तूफान से अभी वापस आया था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है डैगी। सांप जो समुद्र के तल पर इंतजार कर रहा था, उसने राजकुमार को पकड़ लिया और उसके पैर बांध दिए और उसे पानी के नीचे की गुफा में ले गया। जलपरी आर्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और समुद्र में घाट से डुबकी लगाई, लेकिन वेगा ने उसे अपने क्रिस्टल मोती के जरिए देख लिया और अचानक ऊपर के पानी को बर्फ में बदल दिया। इसलिए जलपरी आर्या सीधे सख्त बर्फ पर गिरी और उसे चोट लग गई। उसने अपने हाथों और पैरों से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ओ नहीं, मैं पानी में नहीं जा सकती। ये जरूर वेगा ही होगी जो मुझे एडवर्ड को बचाने से रोक रही है। ऐसे समय उसका छोटा दोस्त डॉल्फिन डॉल्फी, जिसने महसूस किया कि आर्या समुद्र में गोता नहीं लगा सकती है, उसके पास आया और उसने अपनी नाक से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त थी। तब सीगल रिंगो मदद करने के लिए आया। उसने अपनी चोंच से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार एडवर्ड को समुद्री चुड़ैल की गुफा में कैद किया गया था और वो अपनी सांस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। वेगा समुद्री चुड़ैल काले दर्पण के सामने खड़ी थी। समुद्र के काले दर्पण, उस लैंडविच सैंडविच रानी हेला को मुझे दिखा। मैंने वही किया जो तुम चाहती थी, लंबे पैरों वाली। अब तुम्हें मुझे बदले में जादुई मंत्रों की पुस्तक देनी होगी। समुद्री चुड़ैल ने औषधि की अलमारी से जादुई मंत्रों की पुस्तक ली और इसे दर्पण के अंदर के भंवर के माध्यम से दर्पण में फेंक दिया, लेकिन पुस्तक पर छोटे ऑक्टोपस हथियार वेगा की बाह से चिपक गए थे और वो उन्हें जाने नहीं दे सकती थी, और इसलिए जादुई दर्पण ने उसे उस भूमि में पहुंचा दिया जहां रानी हेला रहती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे अपनी गुफा में वापस जाना है। जब समुद्री चुड़ैल जमीन पर इधर उधर गिरी हुई थी, तो नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी मदद के लिए गई थी। उसने बर्फ को तोड़ने में मदद के लिए गहरे समुद्री राज्य में रहने वाली विशाल वेल विली से पूछा मदद के लिए। विशाल वेल विली और नन्ना डॉल्फिन डॉल्फी पानी की सतह की ओर तैरने लगते हैं। आर्या, जिसने महसूस किया कि विली क्या कर रही थी, वो बहुत खुश थी। बड़ी वेल ऊपर की ओर तैरने लगी और अपनी मजबूत नाक के साथ सतह पर बर्फ तोड़ने में कामयाब रही। जलपरी आर्या तुरंत पानी में कूद गई और दुष्ट वेगा की पानी के नीचे की गुफा की ओर तैरने लगी। जैसे ही आर्या ने पानी में प्रवेश किया, उसके पैर एक जलपरी की पूंछ में बदल गए। उसके साथ ही डॉल्फी और विली भी उसके साथ तैरे और समुद्री चुड़ैल वेगा की गुफा में पहुंच गए। गुफा के प्रवेश द्वार पर दो सिर वाला प्रहरी सांप खड़ा था। उन्हें आते देख उसने चुड़ैल को बुलाया, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो गुफा में है। मेरी आकाश, वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। आप कहाँ हैं? कुछ कीजिए। बड़ी वेल विली का सांपों से बहुत वास्ता पड़ा था, इसलिए उसने उसे अपने विशाल मुंह में फंसा लिया। नहीं, मुझे वेल की सांस से नफरत है और यहाँ अंधेरा भी है, मुझे बचाओ। डॉल्फी, जल्दी करो, सभी कमरों को देखो, मैं प्रिंस को ढूंढने बोन डंजन जा रही हूँ। जब जलपरी आर्या बोन डंजन में पहुंची, तो उसने राजकुमार को फर्श पर बेहोश देखा।
आर्या ने बोन केज की सलाखों में से झांका और फिर पानी के नीचे सांस लेने में मदद करने के लिए राजकुमार के मुंह में जादू की समुद्री रेत डाली। अचानक एक जादुई रोशनी ने राजकुमार को घेर लिया। उसके पैर धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह लाल मछली की पूंछ आ गई। तो प्रिंस एडवर्ड जाग गया और पानी के नीचे सांस लेने लगा। तुम जिंदा हो। मैं पानी के भीतर सांस ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छा एहसास है। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। आओ हम यहाँ से निकल चले मेरे राजकुमार। जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड यानी अब एक समुद्री मानव हाथ पकड़कर पानी की सतह पर तैरने लगे। उनके जीवन खुशी से भर गए और ये खुशियाँ जारी रही धरती और समुद्र दोनों पर। पक्षियों, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कभी पंख भी मिल सकते हैं? वो कितना मस्त होगा। कई दिनों तक गंदगी के बीच बहने के बाद समुद्री चुड़ैल अंत में समुद्र में पहुंच गई और अपनी गुफा में लौट आई। और जब उसने देखा कि राजकुमार बच गया है, चाहे इस तरह या उस तरह, मैं उस गहरे समुद्री राज्य में प्रवेश करके रहूंगी।